नमस्कार, मैं अनुराग। आज मेरे साथ में हैं जया किशोरी जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और धर्म आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, कथावाचक के रूप में हम उन्हें सभी जानते हैं। जया जी, कभी तय किया था कि कथावाचन ही करना है? नहीं, कभी नहीं। अपने आप बस होता चला गया, चीज़ें सामने आती गई, अच्छी लगती रही। क्योंकि 6 साल की उम्र से शुरुआत की, तब पता नहीं होता है आपको कि काम क्या होता है, करियर क्या होता है, क्या चुनना है, क्या बनना है। तो शायद पहले से सब तय था। वैसे आध्यात्म तो करियर नहीं होता, ये तो एक मनस्थिति है कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, आप उस धारा में बह जाते हैं। नहीं, करियर जैसे अब मैं एक वक्ता हूँ, मैं चाहे वो मोटिवेशनल सेशंस के थ्रू हूँ, तो ये आपका जब काम बन जाता है तो आपका करियर बन जाता है। अच्छा, इस समय भी समाज में दो धारा हैं। एक युवा वो हैं जो क्लबों में डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाने, सुबह होते हैं सब भूल जाते हैं रात क्या हुआ था, और एक तरफ आप वाली धारा। और अच्छी बात यह है कि आपको भी लोग बेहद पसंद करते हैं, तो कहीं बदलाव की शुरुआत मानती है इसे समझ में? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ आप बीच के रास्ते पर चलिए, आप एक बैलेंस बनाकर चलिए। मैं कभी ये नहीं कहती कि भगवान से जुड़ने का अर्थ होता है कि आप सांसारिक मनोरंजन ख़त्म कर दें, पर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, हर चीज़ का एक लिमिट होती है। तो बीच का रास्ता यही होता है कि आप एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न नहीं हैं। आप मॉडर्निज्म में भी अगर आप मान लीजिए किसी को कोई शादी विवाह है, कोई फंक्शन है, कोई बच्चे पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज है, मैं नहीं कहती आप सब बंद कर दीजिए तभी आप भगवान के भक्त कहलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपने एक सांसारिक जीवन चुना है तो आप जो सांसारिक आनंद है, मनोरंजन है, वो ज़रूर करेंगे, पर जैसा हम कथा में भी कहते हैं कि संसार में अगर भगवान को लेकर चलोगे तो हंसते खेलते जाओगे और हंसते खेलते वापस आ जाओगे, अगर भगवान को बाहर छोड़ दोगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। अच्छा, तमाम यंग लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या लगता है कि अब हमें आशावान होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है आज का यूथ, बहुत जिज्ञासा है उसके अंदर। और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, हर वक्त बच्चों की गलती नहीं होती है। हमने कथा में भी कहा कि आप जब कई बार हमने कथा में एक प्रश्न पूछा, गीता जी कितनों ने पढ़ा है, और 3-4 से ज़्यादा हाथ उठे नहीं, और इनमें कई है जो बड़े बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं घरों के, माँ बाप हैं। तो आप बच्चों को कहाँ से दोष देंगे जब घर के बड़े ही ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं? तो आप बच्चों के लिए क्या कर, बच्चे जिज्ञासा रखते हैं, आज के बच्चे बहुत जिज्ञासा रखते हैं, पर उनको घर में जवाब ही नहीं मिल रहा। जब वो खुद प्रश्न कर रहे हैं अपने माता पिता से, उनको जवाब नहीं मिल रहा। कई बार उनके प्रश्नों को ये बोल के चुप करा दिया जा रहा है कि जबान मत लड़ाओ या भगवान पर सवाल नहीं उठाते, गलत है। तो आप कहीं ना कहीं उसकी जिज्ञासा को ख़त्म कर रहे हैं, उसका जो सच जानने की इच्छा है उसको खत्म कर रहे हैं, फिर वो बाहर जाता है, गलत उत्तर लेके आता है। तर्क करते हैं बच्चे या युवा तर्क करते हैं, तो उसके जवाब माकूल उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए, और सनातन धर्म तर्क करना, प्रश्न करना सिखाता है। सनातन धर्म पट्टी बांधना तो कभी नहीं सिखाता कि आँख पे पट्टी बांध करके मानते जाओ। तो मुझे लगता है कि जितना सनातन दार्शनिक आध्यात्मिक होने के साथ वैज्ञानिक है जी, उतने बाकी धर्म भी नहीं। मैं अपने धर्म के बारे में बात करती हूँ, मुझे नहीं पता, बट सनातन धर्म आपको प्रश्न करना सिखाता है, आपको हर चीज़ के ऊपर जिज्ञासा रखना सिखाता है, और ये सबसे सुंदर बात है। लेकिन आज के समय में जब बच्चे प्रश्न कर रहे हैं तो उनको चुप करा दिया जा रहा है। ज़रूर ये है कि आप प्रश्न में मर्यादा रखिए, प्रश्न में सच जानने की इच्छा रखिए, ना कि उस बात को या उस व्यक्ति को गलत साबित करने की इच्छा रखें, तो अपने आप आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप व्यासपीठ पर बैठती हैं, प्रवचन करती हैं, लोग आपको साध्वी समझ लेते हैं, मुझे लगता है बड़ी चुप कर जाते हैं। नहीं, सबकी अपनी अपनी धारणा है, मुझे नहीं पता वो किस रूप से देखते हैं, पर मैं इस बात को हमेशा क्लियर करती हूँ, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो आपके माध्यम से भी, कि मैं संत, साध्वी, साधु कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जिसका परिवार है, माँ बाप है, दोस्त है, और मैं भी बहुत सिंपल सी और नॉर्मल सी लाइफ जीती हूँ। आगे जाके शादी विवाह सब कुछ होगा, तो अगर कोई भी किसी के मन में शंका है तो ये कि मैं नहीं हूँ संत, साधु, साध्वी। आप जब ये कहते हैं कि शादी विवाह भी होगा, तो बहुत सारे लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं जी, तो मत जाइए उन चर्चाओं पे। आप मेरे खुद के चैनल हैं और वेरीफाइड चैनल्स हैं, कुछ भी होगा वो मेरे चैनल पर बता दिया जाएगा आपको। आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं? मेरे जैसे, जो आप खुद जैसे हैं, आप खुद जैसा जीवन जीते हैं, आप खुद जो प्रिंसिपल्स, मर्यादा और सोच लेकर चलते हैं, माइंडसेट लेकर चलते हैं, तो आपको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। आपकी कथा में शिव से लेकर कृष्ण तक हर चीज के बारे में आप व्याख्या करती हैं, तो आपकी पसंद क्या है, कि आपके जहन में कौन समाया हुआ है, राम है या कृष्ण है या नहीं? भगवान तो देखिए सब एक ही है, पर हाँ, अगर आप
जीवन के ऊपर कहे किसका जीवन ज्यादा आपको आकर्षित करता है तो कृष्ण का जीवन, क्योंकि वो पूर्ण अवतार है, उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ है, लीला पुरुषोत्तम भी है वो तो। हाँ जी, तो श्री कृष्ण का जीवन मुझे ज्यादा आकर्षित करता है। अच्छा, जब आप युवाओं में जाती हैं तो सबसे ज्यादा सवाल वो किस बारे में करते हैं, क्योंकि इस समय दो बड़ी समस्याएं हैं, एक बेरोजगारी और बेरोजगारी के बाद अवसाद। मुझे देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं एंगर मैनेजमेंट को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, क्योंकि आज के युवा में जी, क्योंकि आपने युवा के बारे में पूछा, आज के युवा बहुत कंपटीशन में जी रहे हैं बचपन से। बेरोजगारी या एम्प्लॉयमेंट तो बाद की बात आती है, कि स्कूल टाइम में भी उनके कॉम्पिटिशन है कि उस शर्मा जी के लड़के का इतना आया और इसके लड़के का इतना आया और उसकी लड़की का इतना आया, तुम्हारा क्या है, फर्स्ट कौन आया, ये प्रेशर बहुत है। एक आज के समय में आप मॉडर्न है कि नहीं, ट्रेडिशनल है कि नहीं, ये प्रेशर बहुत है। बच्चा दो जिंदगी जी रहा है, घर पे उसको अलग बातें बताई जा रही है, बाहर उसको एक अलग जिंदगी जीनी पड़ रही है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंफ्यूजन है। और जिस तरीके का एक्सपोजर बच्चों को आज इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है वो एक अलग दुनिया है, तो हम समझ नहीं पाते। बच्चों पे दोष ज़रूर देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं, वो आज जितना कन्फ्यूजन आज एक बच्चे को है शायद ही किसी समय में किसी को था, क्योंकि इसका इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको ही नहीं पता उसको चुनना क्या है। जया जी ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही, एक कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन के बाद जो समस्याएं उपजती हैं, इससे बचने का रास्ता क्या नजर आता है? सबसे पहले परिवार की कॉम्पिटिशन आप बंद करिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन परिवार ही शुरू करता है कि उसका इतना आया, इसका इतना आया, ये गलत है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपना अपना स्पीड है काम करने का, तो अपने बच्चों को उनके स्पीड से काम करने दीजिए और ज़्यादा ध्यान ज्ञान पर रखिए कि वह क्या सीख रहा है, इसके अलावा ये नहीं कि वो कितना मार्क्स लेकर आ रहा है, क्योंकि मार्क्स शायद ही मायने रखते हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखूँ, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि इतने मार्क्स आने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बस उन्होंने ये कहा अपना 100% देना अपने काम में, मेहनत में, फिर कुछ भी रिजल्ट आए मेरे लिए फर्स्ट तुम ही हो। आपका परिवार ऐसा ही आध्यात्मिक रहा पूरा शुरू से? बिल्कुल, हमेशा से बहुत आध्यात्मिक रहा और उन्हीं को मैं श्रेय देती हूँ अपने आध्यात्मिक होने का। आपके पिताजी माता जी? जी। ये हमारे यहाँ जो सनातन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार आते जाते हैं, लेकिन बीच में बहुत भटकाव का दौर था, वो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया जी। तो लगता है कि कहीं आध्यात्मिक होने से, धार्मिक होने से समस्याओं का निदान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए आज वापस से आप देखिए यूथ में भी अध्यात्म बहुत जुड़ रहा है, धार्मिक रूप से नहीं जुड़ रहा है भले ही, पर मेडिटेशन के रूप से जुड़ रहा है, अच्छी बातों के थ्रू जुड़ रहा है। अगर आप यूट्यूब चैनल, जो पॉडकास्ट आजकल नए होने लगे हैं, हम भी जिन पॉडकास्ट को करते हैं, चाहे वो संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा जी, हमने कई किए हैं, और सब में यही है कि उनको सबको यूथ बहुत सुन रहे हैं, उनके स्पिरिचुअल वीडियो सबसे ज़्यादा चलते हैं, तो कनेक्ट हो रहा है धार्मिक रूप से नहीं कि वो शुरुआत से आप उनको पूजा पाठ से जोड़े, वो शायद एक कहते हैं ना कि कान यहाँ से पकड़ो या घूम के पकड़ो, एक ही बात है, तो वो इस रास्ते से होकर जा रहा है, पहुँचेगा वहीं पर, लेकिन जिज्ञासाएँ हो रही है, उनको अच्छा लग रहा है जानना। बस यही है कि चेंज, जैसा कृष्ण ने कहा है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया चेंज हो रही है, उनको अच्छी चीज़ बताने के तरीके चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर आपको यूथ को कनेक्ट करना है तो आपको उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको पसंद है। तो एक बड़ा बदलाव देखा है भारत से लेके और विदेशों की सड़कों तक, श्री कृष्ण का नाम लोगों की जुबान पर है और उनकी आप लीलाओं की व्याख्याएं करती हैं, उनके अलग अलग स्वरूप हैं, कभी मुरली रखते हैं, कभी मुरली छोड़ देते हैं, युद्ध भी करते हैं, तो बहुत आकर्षित करते हैं। आपको लगता है कि कहीं कृष्ण के जरिए एक नई क्रांति की जा सकती है वैचारिक तौर पर, सोच के तौर पर? हो ही रही है, मैं ये नहीं कहूँ, कृष्ण कभी कहते हैं ना कि अनरिलेटेबल थे ही नहीं, वो हमेशा रहेंगे और वो हमेशा लोगों के लिए ऐसे एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन रहेगा जो हमेशा रिलेटेबल रहेगा, वो कभी भी, गीता जी का ज्ञान देखिए आज भी लोगों के काम आ रहा है, पहले कभी हो दुनिया। हाँ जी, लेकिन पहले मोटिवेशनल स्पीकर हुए और सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हुए और सबसे अच्छी मोटिवेशनल स्पीच गीता जी हुई है, तो मुझे लगता है कि उनका जीवन अगर समझा जाए तो हर प्रॉब्लम का सलूशन उनके जीवन से मिल सकता है आपको। अवधेश आनंद जी से लेके आप तक एक बड़ी परंपरा है, तो आप क्या चाहती है कि किस तरह का हिंदुस्तान हो? हिंदुस्तान ऐसा बने जो शिक्षा में भी आगे हो, जो आध्यात्मिकता में भी आगे हो, जो मॉडर्निज्म में भी आगे हो, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, डेवलपमेंट के मामले में हो, हर चीज़ में, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से आगे रहा है, सोने की चिड़िया, विश्वगुरु,
ज्ञान में 7.5 लाख गुरुकुल थे, सबसे पहले शिक्षा हमारे यहाँ शुरू हुई, हर चीज़ में हम आगे रहे हैं, तो शायद वही दुनिया वापस लेकर आनी है कि हम हर चीज़ में आगे रहें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जया किशोरी जी को, जो कह रही थी, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया युवाओं को लेके, और उन्होंने बीच का एक रास्ता सुझाया है कि जहाँ आधुनिकता भी हो और अध्यात्म भी हो, तो सारे रास्ते, सारी कठिनाइयाँ हल हो सकती हैं। आज बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।